पंजाबी बीट्स देख रहे सारे दर्शकों नूं दिल दीआं गहराइयां तो एक बार फिर सत श्री अकाल ते सलाम। सो दोस्तों जिहड़ी पहली वीडियो मैं अपलोड की सी वी जिहदे विच कुछ कु नावां दे अर्थ दसे सन ते उहदे विच मैं जिक्र कीता सी वी जे तुसीं अपने नाम का अर्थ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अपना नाम जरूर मैनशन कर दिता जाए तो उहदों दी एक दो जिहड़े नाम मेरे सामने आए उहनां दे विचों दी सी पहला नाम परमीत। परमीत शब्द जिहड़ा है ये दो अक्खरां का जोड़ है पर प्लस मीत। पर दे बहुत सारे अर्थ ने। पर दा मतलब जिहड़ा हुंदा है वह पराया भी हुंदा है। पर दा मतलब उत्तम श्रेष्ठ भी हुंदा है। पर दा मतलब मुक्ति भी हुंदा है ते एक पर दा मतलब है दुश्मन। सो आपां इहदा अर्थ लवांगे दुश्मन ते मीत दा मतलब है मित्र। वह शख्स जिहड़ा दुश्मन नूं भी अपना मित्र समझदा है जिवें इत्थे पराया एक अर्थ आया सी ओ शख्स दा पराए नूं भी अपना मित्र समझदा बेगाने नूं भी अपना मित्र समझदा। सब को मीत हम अपन कीना हम सब ना के साजन। सो परमीत दे ए अर्थ बनते हैं। एक नाम होर मेरे सामने आया सी जी उसी अमनदीप। ये भी दो अखरां दा जोड़ है। सो बहुत सारे साढ़े नाम इदां ने जिहड़े दो अखरां नूं जोड़ के बनाए गए ने जिवें जग जीवन। जग दा मतलब संसार। जीवन दा मतलब जीवन। जगत नूं जीवन देण वाला परमात्मा दे लई बाणी दे विच इह शब्द बड़ी बार वरत्या गया। सो आपां गल कर रहे सी अमनदीप। अमन दा मतलब हुंदा जी शांति ते दीप दा मतलब हुंदा दीपक। इहदे अर्थ हो गए शांति दा दीवा। वैसे दीप दा अर्थ जिहड़ा समुंदर दा टापू हुंदा है उहनूं भी दीप कह दित्ता जांदा है। जिवें सिंगला दीप दी आपां गल करदे हां सत्तां दीपां दी आपां गल करदे हां। सो जिहड़ा दूसरा अर्थ है वह है दीप का मतलब दीवा। अमन मतलब शांति। सो यद अर्थ होगा शांति का दीवा। एक नाम जी कमेंट के लिखा सी एक लड़के के वलों की निखिल राज। जो निखिल शब्द है मैं देख रहा सी ये निखाओ के करीब है। निखाओ तो बनया ये मतलब होंगे जी नाश रहित। राज का मतलब राज। वो राज जिदा कदे नाश ना हो राज जिदा कदे अंत ना हो। तो दूसरा ही शब्द खिल के करीब भी लगता सू थोड़ा जहा खे सारी ला शब्द खिल। सो खिल का मतलब है जी खिड़िया होया। वो राज जिहड़ा हमेशा खिड़िया हो जिवें कोई फुल हमेशा खिड़िया रहने वाला उस तरीके दे नाल। राज का मतलब राज। निखिल का मतलब हो गया भी जिदा कदे नाश ना हो जो हमेशा खिलिया रहे जो हमेशा प्रफुल्लित रहे। सो कई का नाम होंगे जी नरेंद्र। ये भी दो अखरों का जोड़ है नर प्लस इंद्र। नर का मतलब तुम्हें पता नर का मतलब है मनुख। इंद्र मतलब राजा। नर प्लस इंद्र का मतलब हो गया मनुखा का राजा। एक नाम होंगे जी सुखराज। सुख प्लस राज सुखा का राजा। ज दूसरा अर्थ यह होगा वो शख्स जिदे राज दे विच सुख ही सुख होवे उन्हूं आप नूं भी सुख मिले तो वह प्रजा भी सुख देवे। सुख राज जिदे राज विच सुख होवे सारिआं नूं। एक नाम हुंदा जी कृपाल। कृपा प्लस आल तो बनया जिदा अर्थ हो गया कृपा दा घर। कृपा मतलब कृपा करन वाला। आल मीन्स आलिया घर। कृपा दा घर जिहड़ा हमेशा कृपा दे विच आके कृपा करदा लोकां दे उत्ते। एक हुंदा जी अमृतपाल। अमृत प्लस पाल। अमृत दी पाल मिज पालना करन वाला वह शख्स जिहड़ा अमृत की पालना करदा है। एक शब्द हुंदा जी बलजीत। बल प्लस जीत तो यह बनया जिहदा अर्थ हो गया बल दे नाल। बल किहनूं कहिंदे ने ताकत नूं। बल प्लस जीत ताकत दे नाल हर एक नूं जितण वाला। एक शब्द हुंदा जी हरमन। हर प्लस मन हर एक दे मन नूं भा जाण वाला प्यारा जिहड़ा सारिआं नूं प्यारा लगता सारिआं नूं चंगा लगता। सो एक कुछ कु नावां दी जिहड़ी लिस्ट मेरे सामने सी। सो मैं दोबारा फिर बेनती करांगा भी तुसीं रिक्वेस्ट करांगा तुहाडे अगे कि तुसीं फिर दोबारा वीडियो नूं वाच कर रहे हो देख रहे हो तो इहदे विच जे तुहाडा नाम नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अपना नाम जरूर लिखो तां जो मेरे भी नॉलेज दे विच वाधा होवे ते तुहाडी भी जानकारी दे विच वाधा होवे। कमेंट बॉक्स के अपना नाम जरूर लिखो ता जो अगली वीडियो जी है मैं थोड़े नाम के उत्ते बना करा। हुण तक दे लई दिओ इजाजत। सत श्री अकाल। धन्यवाद।